नगर पालिका परिषद गोचर में पहाड़ी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें 40 टीमों ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर की है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने बताया कि जिले में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका सौभाग्य हमारे उत्तराखंड को भी प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मेलन में पारंपरिक अनाज को उसकी प्रोटीन गुणवत्ता के अनुसार अधिकतम उपयोग किए जाने का आह्वान किया गया है। पीछे जो छिपी एक चिंता है कि हमारे हर क्षेत्र में पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे जो उत्पाद है पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम भी आए। उन्हें मान ले, उनका इनाम उन्हें जो भी मिले, क्योंकि वो उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिले, इसलिए हमने इसमें एक कहते ये रखा हुआ था कि हम इसमें इनाम वगैरह देंगे, पुरस्कार रखेंगे, ताकि महिलाएँ जो भी खाना बनाएं यहाँ पे प्रस्तुत करें, उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, उन्हें ये लगे कि हमें हम आयरन मात्र होनी और यू रेशेदार बेमानो जो कि हमें सुपाच्य होनो और बहुत ही लाभदायक होनी। एक बार हम सोटे पकौड़ी बनाई, सोटे की जो पकौड़ी चाहिए दाले पकौड़ी तो सब बनाना पर हम उन सोटे पकौड़ी बनाई और ये की स्पेशलिटी हमारी तो बहुत बढ़िया है। आपका जो फूड का है ये पूरे अपने इंडिया में क्या पूरा जग में वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। बाहर बाहर से भी लोग आते हैं, नारा लोग भी आते हैं यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ जी में। बहुत सही है, हम बहुत स्वादिष्ट भोजन है।